फिर से हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो पे मैं कुछ न्यू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आप लोग को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की न्यूज़ एक साथ अपने चैनल पे देने वाला हूँ, जैसे जन्नत जुबेर हो गए, मिस्टर फैजो हो गए, फैनत हो गई, मोहसिन खान, अवनीत कौर, अनुष्का सेन और भी बहुत सारे लोग का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको इस वीडियो पे। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। 30 मिनट्स प्लस की वीडियो आप लोग को बनने वाली है, आप लोग बस पूरा देख लोगे तो आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आपको देने वाला हूँ फैनत के बारे में, मतलब फैजो जन्नत के बारे में। फैनत के 3 ईयर्स कम्प्लीट होने वाले हैं 21 मार्च को, 3 साल कम्प्लीट होने वाले हैं एज अ फ्रेंड। तो फैन सोच रहे कि उस दिन फैनत मिले तो बहुत अच्छा होगा, और अगर कुछ पोस्ट कर दे जैसे रील्स तो और भी अच्छा रहेगा। फैनत के फैंस उस दिन ट्विटर पे ट्रेंड रखने वाले, 1 साल पहले भी ट्विटर पे ट्रेंड रखे थे और फिर उस टाइम उन्होंने साथ में मिलके एक स्टोरी डाली थी जिसे आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो। तो फैंस इस बार भी कुछ एक्सपेक्टेड कर रहे कि इस साल भी उन लोग मिले और कुछ फ़ोटो या वीडियो शेयर करें। जैसे गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि फैनत ने साथ में कुछ मिलकर साथ में पोस्ट नहीं किया है, 3 मंथ से ज़्यादा हो गया है एक दूसरे के कोई पोस्ट नहीं किया अपने अकाउंट में। फैंस सोच रहे कि उनके बीच कुछ हो गया है, जैसे फैनत नहीं मिल पा रही, जैसे फाइट हो गया या कोई बहस हो गई है। तो इस टॉपिक में मैंने वीडियो बनाई है और जैसे गाइस आप स्क्रीन पे वीडियो देख सकते हो, मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट गाइस मैं आप लोग बता दूँ, जन्नत दुबई में थी और फैजू भी अमेरिका से दुबई आ गए थे। तो फैनत के फैंस सोच रहे थे कि अब हमको कुछ फ़ोटो या रील्स देखने को मिलेंगी। फैनत के फैंस बहुत एक्साइटेड रहते कि अगर कहीं साथ में मिल पाएंगे तो अपने कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन फैजो और जन्नत दुबई में 4 दिन रहे लेकिन वो नहीं मिल पाए, लेकिन वो और लकी डांसर जाके मिल के आए जन्नत जुबैर से, अयान जुबैर से, और उनके साथ वीडियोज़ बनाई। लेकिन फैजो जन्नत नहीं मिल पाए, उनके पास टाइम नहीं रहा। और फिर उसके बाद जन्नत जुबैर दुबई से रिटर्न इंडिया आ गई मुंबई में, तो फैजो भी कुछ दिन बाद मुंबई आ गए। लेकिन जन्नत अभी देहरादून गई हैं अयान जुबैर के साथ और बहुत सारे फ्रेंड्स लोग के साथ। अयान जुबैर के फ्रेंड्स हैं उनके साथ, जन्नत जुबैर भी गई देहरादून और फैजो मुंबई आ गए हैं। लेकिन फैंस कंफ्यूज है ये देख के कि 4 दिन फैजो जन्नत रहे दुबई में लेकिन वो मिल नहीं पाए और अपने को कुछ कंटेंट नहीं दे पाए। तो फैंस थोड़ा डाउट है उनको, क्या उनके बीच कुछ हुआ है जिसके कारण वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो यही फैंस कन्फ्यूज़न है कि फैनत डे मतलब 21 मार्च को फैजो जन्नत मिल पाएंगे और हमको क्या खुश कर पाएंगे कुछ वीडियो या रील्स पोस्ट करके, जैसे 1 साल पहले सिर्फ स्टोरी डाली थी। तो 1 साल बाद आज अब सोच रहे हैं कि कुछ रील्स देखने को मिलेंगे या कुछ वीडियो फ़ोटो देखने को मिलेगा। बट देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या लगता है, फैजो जन्नत 21 मार्च को मिलने वाले हैं क्या फैनत डे के दिन? आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस अब नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है सोनारिका बरोड़िया और मोहसिन खान के बारे में। गाइस इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने इनके न्यू सॉन्ग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, जिसका नाम है सॉन्ग का शौक से। तो उसका टीज़र आज रिलीज़ हो गया है, आज 6 मार्च है और आज के दिन टीज़र आउट हो गया है। जैसे आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो, थोड़ा रोमांटिक टाइप की आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। एक महीने पहले जो मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले, उसमें मैंने सॉन्ग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, आज टीज़र आया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सॉन्ग कब रिलीज़ होने वाला है। टीज़र पे आपको सॉन्ग का रिलीज़ डेट भी देखने को मिल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा ये रोमांटिक और थोड़ा हॉरर टाइप का स्टोरी है और आप देख सकते हो लास्ट में रिलीजिंग ऑन 9th मार्च 2022। आज से 6-3 डेज बचे हैं, 3rd डे आपको ये रिलीज़ हो जाएगी। आप लोग बोलो कौन सी यूट्यूब चैनल पर? तो गाइस मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आप लोग जाके वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया कि आपको कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको सॉन्ग देखने को मिलेगा। सो गाइस मैंने आपको इससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इन दोनों का सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है शौक से और वो रिलीज़ होने वाला है 9 मार्च को। तो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ जन्नत जुबैर के छोटे भाई अयान जुबैर के बारे में। गाइस आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो, अयान जुबैर के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ये सब देहरादून गए हैं मसूरी और वहाँ पर जन्नत जुबैर भी गई है अयान जुबैर के साथ। जैसे आप देख सकते हो अयान जुबैर ने फोटो डाली थी 2 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें लिखा है मसूरी इट इस, देहरादून में एक प्लेस है जहाँ का नाम है मसूरी। और आप देख सकते हो जन्नत जुबैर भी गई है अपने भाई के साथ। तो बहुत लोग का डाउट है कि जन्नत जुबैर गई है तो वो कौन से रीज़न से गई है, क्या उनका कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है या अयान जुबैर का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। सो गाइस आप इन फोटो देख सकते हो अयान जुबैर के इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो लग रहा है देख के कि अयान जुबैर और उनके फ्रेंड्स की कोई शूटिंग चल रही है जिसके
लिए जन्नत जुबैर भी गई हैं, क्योंकि जन्नत जुबैर के पेरेंट्स दुबई में हैं। तो अयान जुबैर जहाँ भी जाएंगे अभी जन्नत उनके साथ जाएंगी, क्योंकि वो बड़ी हैं अयान जुबैर से। सो गाइस मैं आप लोग बता दिया कि जन्नत जुबैर के जो छोटे भाई अयान जुबैर, उनका कुछ शूट हो रहा है जिसके कारण वो अभी देहरादून गई हैं। सो गाइस अब मैं आप लोग को नेक्स्ट न्यूज़ दे दूँ जन्नत जुबैर के बारे में। जैसे गाइस आप सबको पता है कि जन्नत जुबैर का अभी रिसेंटली सॉन्ग आया था जिसका नाम है चांद नाराज़ है, और वो मोहसिन खान के साथ आया था बी लाइव म्यूज़िक यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस उससे इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही कि जन्नत जुबैर का जो सॉन्ग है चांद नाराज़ है, उस म्यूज़िक वीडियो में 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए, और वो भी 8 डेज में, जैसे आप सीन पे देख सकते हो। सो गाइस ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी कि जो इन दोनों का सॉन्ग आया था वो 10 मिलियन क्रॉस हो गया, वो भी 8 डेज में। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। और जैसे मैं आप लोग बता दूँ कि इनकी जोड़ी अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम जन्नत और मोहसिन की वीडियो देखने को मिला म्यूज़िक वीडियो, तो उस पर इनकी जोड़ी अच्छी भी लग रही थी। आप लोग कैसे लगी आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे गाइस आप देख सकते हो 10 मिलियन व्यूज़ आया 8 डेज के अंदर। सो गाइस आप लोग ने म्यूज़िक वीडियो देखा कि नहीं आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चले गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ मिस्टर फैजू के बारे में। गाइस मैं आप लोग बता दूँ मिस्टर फैजू के 40 मिलियन कंप्लीट हो गए जोश ऐप पे। जैसे आप सीन पे प्रूफ देख सकते हो 40.7 मिलियन, मतलब 41 मिलियन होने वाले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मिस्टर फैजू जोश ऐप पे उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अभी के टाइम पे इंडिया में। सो गाइस मैंने आपको फैजू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दिया। सो गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल गया रही अनुष्का सेन के बारे में। गाइस मैं आप लोग बता दूं कि इनका एक वेब सीरीज़ बहुत जल्द आने वाला है। जैसे गाइस आप सीन पे फोटो देख सकते हो, वेब सीरीज़ का नाम है स्वांग। आप लोग बोलोगे ये वेब सीरीज़ किस टाइप की है, तो आपको थोड़ा सस्पेंस टाइप का, एक लड़की इस वेब सीरीज़ में गायब हो जाती है, मतलब मिसिंग गर्ल हो जाती है, तो उस केस को ये सॉल्व करते हैं, उसी पे ये बेस्ड हुआ है वेब सीरीज़। और इस वेब सीरीज़ का नाम स्वांग आप लोग मैं बता दिया। सो गाइस मैं आप लोग बता दूं कि वेब सीरीज़ कब रिलीज़ होने वाली है और आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। सो गाइस मैं आप लोग बता दूँ सॉन्ग वेब सीरीज़ है, ये हंगामा ओरिजिनल सीरीज़ है, मतलब आपको ये हंगामा प्ले इंस्टॉल करना पड़ेगा ऐप, उस पे जाके आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हो। और ये वेब सीरीज़ 9 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। जैसे आप सीन पे देख सकते हो इसके टीज़र पे लास्ट पे लिखा हुआ है कि 9 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। सो गाइस आप लोग कितने एक्साइटेड हो अनुष्का सेन के वेब सीरीज़ को देखने के लिए, आप लोग मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही अवनीत कौर से रिलेटेड। सो गाइस मैं आप लोग बता दूँ अवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पे आज कुछ स्टोरी डाली थी, जैसे आप देख सकते हो शूटिंग फॉर समथिंग अमेजिंग हैशटैग कमिंग सून्स। तो फैंस जानना चाहते हैं कि क्या शूट कर रही है अवनीत कौर। सो गाइस मैं आप लोग को इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। अवनीत कौर ने ये स्टोरी रीपोस्ट की थी, जैसे आप देख सकते हो वैनिटी वैन है अवनीत कौर का, और वैनिटी वैन में जहाँ अवनीत कौर लिखा है ओप्पो लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हो। सो गाइस इससे ये मतलब है कि अवनीत कौर ओप्पो ब्रांड के लिए कुछ फ़ोन का शूट कर रही हैं, जिसके कारण वो बिज़ी अभी कुछ दिनों से। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी। फैंस जानना चाह रहे थे कि अवनीत कौर क्या शूट कर रही है, तो वो ओप्पो कंपनी के जो फ़ोन हैं उसकी कुछ शूटिंग कर रही हैं। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ गाइस। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है हसनैन खान की तरफ से। गाइस मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इनका सॉन्ग आने वाला है जिसका नाम है लक तेरे लिए, जैसे आप देख सकते हो उसको सॉन्ग रिलीज़ हुए 10 डेज़ हो गए कम्प्लीट। और आज उन्होंने हसनैन खान ने कल पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे, और जिसमें बताया था कि 4.5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हो 10 डेज में 4.7 मिलियन कंप्लीट होने वाले, मतलब 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट होने वाले 10 मिलियन पे। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हसनैन खान के जो न्यू सॉन्ग आया उसमें 5 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो गए। अब गाइस मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर, मतलब फैनत के बारे में। गाइस आप सबको पता है कि फैनत कंप्लीट करी 3 इयर्स, तो उनकी कुछ मैं मेमोरीज दिखाऊंगा आपको, ओल्ड मेमोरीज जो आपको देख के अच्छी लगेगी वीडियोस, और इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या, वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि क्या, वो उनके बीच कुछ चल रहा है जो कि लोगों को लगता है, उनके फैंस को जो कि उनकी वीडियोस देखते हैं और भी बहुत सारे लोग। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्या रीज़न है जिससे लोगों को लगता है कि फैजू और जन्नत एक दूसरे से लव करते हैं, वो रिलेशनशिप में है, वो एक पसंद करते हैं। तो मैं आपको रीज़न बताऊँगा और रियल में बताऊँगा कि क्या सही में फैजू और जन्नत एक दूसरे को पसंद या लव करते हैं, तो पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो पर। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फैजू और जन्नत से रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस मिस्टर फैजू और जन्नत जुबैर की जो जोड़ी है बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि उनकी जो केमिस्ट्री वीडियो पर बहुत अच्छी शो होकर निकलती है। जैसे आप वीडियो देख सकते हो
कोई भी उनकी वीडियोस देखता है तो लोगों को पसंद आते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ, टिकटॉक जब था तो वो किंग और क्वीन रहते थे टिकटॉक के। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग फैज़ू और जन्नत की थी, वहाँ से लोग उनको पसंद करते आए। और अब इंस्टाग्राम पे उनकी जो भी वीडियोस फोटोज साथ में आते हैं बहुत ही वायरल होती है। फैज़ू और जन्नत के जो कॉन्टेंट होते हैं, जो भी वीडियोस निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ व्यूज़ लाते हैं। 4 से 5 मिलियन उनके एक वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो वीडियो पे बहुत अच्छी शो होकर निकलती है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, मिस्टर फैज़ू और जन्नत के जो फैंस हैं उनको ये लगता है कि शायद वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि इनके में सबसे ज़्यादा मेजर रोल है फैज़ू और जन्नत के फैंस, जो फैनत है उनका सबसे ज़्यादा मेजर रोल होता है। लोगों को ये लगता है कि फैज़ू जन्नत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, क्यों? क्योंकि जो फैनत है वो बहुत अच्छे एडिट्स बनाती है। वो ऐसे एडिट्स बनाते हैं जिससे आपको भी एक टाइम पे लग जाएगा कि फैज़ू जन्नत सही में एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख सकते हो, ये भी एक फैनत नहीं बनाया, और ऐसा वीडियो बना है कि आपको भी एक टाइम पे लगेगा कि फैज़ू जन्नत सही में एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके जो फैंस है वो स्लोमो कर देते हैं वीडियो, और बैकग्राउंड पे कोई रोमांटिक सॉन्ग डाल देते हैं, और वो जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो वो एक्सप्लोर होती है, और जब लोग देखते हैं तो लोग को भी लगता है कि फैज़ू जन्नत सही में रिलेशनशिप में है। जैसे आप ये वीडियो देख सकते हो गाइस, इसमें जो फैज़ू और जन्नत, जब जन्नत फैज़ू को देखती है तो उनके जो फैन है फैनत वो स्लोमो कर देती है, जैसे आप देख सकते हो, और बैकग्राउंड पे रोमांटिक सॉन्ग डाल देती है। जब इंस्टाग्राम पे को लोग वीडियो देखते हैं तो लोगों को भी लगता है सच में फैज़ू जन्नत एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो जो उनके फैंस है वो अच्छे वे पे एडिट करते हैं जो लोगों को भी पसंद आते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूँ, फैज़ू और जन्नत की जो फ्रेंडशिप है नॉर्मल लाइफ में, जो रियल लाइफ में भी उनकी जो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। फैज़ू जन्नत के घर आते रहते हैं, और जन्नत की फैमिली से भी फैज़ू की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। गाइस जब जन्नत का बर्थडे था इसी ईयर, तो जन्नत के पापा ने उनको जैगवार दे दी थी फैज़ू को चलाने के लिए, और पूरी फैमिली पीछे बैठी थी जन्नत की और उनके फ्रेंड्स लोग। तो कोई ऐसा तब करता है किसी पे जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट हो, और जो जन्नत की फैमिली वो फैज़ू पे बहुत अच्छा ट्रस्ट करती है। जब लोग देखते हैं उनके फैंस तो उनको भी अच्छा लगता है। और गाइस मैं आपको बता दूँ, जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था मैंने जो आपको बता चुका है, वो की केमिस्ट्री। उनकी जो वीडियो पे बहुत केमिस्ट्री होती है जिससे लोगों की रिस्पॉन्स आती है, और जब लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो उनको अपने फैंस को अपडेट देने, अपने फैंस को खुश रखने के लिए उनको वापस साथ में मिलना पड़ता है, जिससे उनकी फ्रेंडशिप और अच्छी होती गई है। उनके जो फैंस है, जब वो फैज़ू जन्नत मिलते नहीं है कुछ महीनों से, कुछ टाइम से, तो उनके फैंस उनको मिस करने लगते हैं, और उनके लिए बहुत सारे एडिट्स बनाते हैं, उनको मेंशन करते, जिससे उनको भी मिलना पड़ता है फैज़ू और जन्नत को अपने फैंस के लिए। कैसे आपने वीडियो देखा जिसमें उनके फैंस जब वो फैज़ू जन्नत मिलते नहीं तो उनके लिए मिसिंग एडिट्स बनाते हैं, मतलब बहुत सारे एडिट्स बनाते हैं, मेंशन करते हैं उनको कि मिलो, हमको कोई वीडियो दो, हमको अच्छे लगते हैं कि आप वापस मिलो, उनकी केमिस्ट्री लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं। और जो मेन रीज़न था मैंने आपको बताया कि उनकी जो बॉन्डिंग वीडियो पे बहुत अच्छी शो निकल गई होती है, केमिस्ट्री जो अच्छी शो होती है जिससे लोगों को लगता है कि वो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप चला है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैज़ू और जन्नत शायद एक दूसरे को पसंद करते हो अंदर ही अंदर, ऐसा हो सकता है। अब आपको क्या लगता है गाइस, आप लोग मेरे को बताना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है रियल लाइफ में कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या वो रिलेशनशिप में, उनकी बस एक अच्छी फ्रेंडशिप है। तो गाइस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, आप लोग क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस